नमस्कार, मैं पवन कुमार आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ जोबित पीडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक स्पेशल टॉपिक पे बातचीत करने वाले हैं, वो है रीट की तैयारी को लेकर कि हमें रीट की तैयारी किस प्रकार करनी चाहिए ताकि हमारा बिना कोचिंग के पहली बार में आसानी से सिलेक्शन हो जाए। इसके लिए हम क्या पढ़े, कितना पढ़े, किस प्रकार पढ़े और कौन सी गाइड से पढ़े ताकि हमारा सिलेक्शन है वो रीट के अंदर आसानी से हो जाए। दोस्तों, इसके लिए पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें हैं वो बता दूं, जो कि आपको रीट की आप तैयारी करने वाले हैं तो आपको जानना बेहद आवश्यक है, क्योंकि ये बातें वो आपको रीट सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो दोस्तों, जो रीट का एग्जाम होता है वो NCTE यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के निश्चित गाइडलाइंस के तहत होता है। इसका मतलब यही है कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है वो टेट का एग्जाम कराती है, जैसे हमारी राजस्थान गवर्नमेंट है वो रीट का एग्जाम कराती है थर्ड ग्रेड टीचर के लिए, यानी जिसे पात्रता परीक्षा भी बोलते हैं। तो ये NCTC के निश्चित पैटर्न के आधार पर ही किया जाता है, यानी जो सिलेबस और जो पैटर्न है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने जारी किया है, स्टेट गवर्नमेंट बाध्य होती है वही सिलेबस और पैटर्न के अनुसार टेट का या रीट का एग्जाम करवाने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जो बेसिक बात ध्यान में रखनी है वो यही है कि जो सिलेबस है आपको सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, क्योंकि नए तो सिलेबस से बाहर कोई क्वेश्चन जा सकता है, ठीक है, नए इसके पैटर्न के साथ कुछ है वो चेंज किया जा सकता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि पहले ये बातें जोर पड़ती कि रीट का पैटर्न है सिलेबस है वो चेंज होगा, लेकिन रीट के अंदर है वो किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होगा। एक सेकंड पेपर ऐड होगा वो थर्ड ग्रेड टीचर के लिए, हम बात करें रीट के लिए तो रीट के अंदर वही शर्तें हैं, जो सिलेबस था वही है। इसका वेटेज जो पहले इसका वेटेज है वो 70% हुआ करता था, ठीक है, 30% ग्रेजुएशन के आधार माना जाता था, 70% आपका रीट का आधार माना जाता था। हो सकता है कि इस बार ये 70% है वो कम कर दे, ये तो हटाने की बात की जा रही है, हो सकता है इसको 5% कर दे या इसको एकदम हटा दे, ठीक है, जो रीट का वेटेज है वो कम किया जा सकता है। इसके पैटर्न इसके सिलेबस के अंदर किसी भी प्रकार का चेंज है वो नहीं किया जा सकता है, यानी पात्रता परीक्षा है उसका पैटर्न और सिलेबस वही होगा जो पहले था। एक पेपर ऐड किया जा रहा है वो इस वजह से किया जा रहा है कि ये हटाकर जो ग्रेजुएशन का 30% था इसको हटाकर एक नया पेपर ऐड कर दिया जाए कि जो युवा अभी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है किसी ने ग्रेजुएशन में फर्जी डिग्री ली हो तो उसी के आधार पर इसको बेनिफिट मिल रहा था उस 30% का, तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि ये बेनिफिट है ना फर्जी लोगों को ये बेनिफिट ना मिले, पढ़ने वाले जो अभ्यर्थी है जो साथी है उन्हीं को ये बेनिफिट मिले, इसीलिए दोस्तों एक पेपर है वो और ऐड किया जा रहा है। यानी कि जो रीट के अंदर है वो कोई भी प्रकार का चेंज है वो नहीं किया जा रहा है, पात्रता परीक्षा वैसी की वैसी रहेगी, हालांकि इसका वेटेज है वो कम किया जा सकता है, ये 70% है, हो सकता है 50% कर दे, हो सकता है ये 60% कर दे, ये एक अलग बात है, लेकिन इसके पैटर्न और सिलेबस के अंदर किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं संभव है, नहीं किया जा सकता। तो यानी आपको वही पढ़ना है जो आपके सिलेबस के अंदर है, ठीक है। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, पहले आपके प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज आपका जो भी सब्जेक्ट हो, चाहे मैथ हो चाहे साइंस हो, जो भी आपने लैंग्वेज चूज कर रखी है, चाहे हिंदी चूज करी हो चाहे संस्कृत चाहे इंग्लिश लेने का आपका विचार हो, तो सबसे पहले आपको यही करना है कि आपको जो पूरा सिलेबस है वो देखना है अच्छे से, पहले आपको सिलेबस पढ़ना है। अगर आपने अच्छे से सिलेबस एक बार देख लिया क्या सिलेबस है, सिलेबस को समझ लिया, मान लीजिए कि आपका जो पहला स्टेज है वो यहीं से शुरू हो जाता है और लगभग मैं ये कहूंगा कि 1/4 भाग है ना रीट का आपने अभी क्लियर कर लिया। अगर आप सिलेबस को अच्छी तरह से समझ लेते हो तो आपका जो रीट का सपना है वो 1/4 भाग तो यहीं से क्लियर हो जाता है, क्योंकि दोस्तों ज्यादातर मैंने देखा है कई साथियों को पढ़ते हुए देखा है कि वो SST है तो राजस्थान जी के पढ़ रहे हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ राजस्थान जी के पढ़ रहे हैं, फिर बोलते हैं पढ़ा तो बहुत था सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या कारण है। दोस्तों, सही दिशा होनी बहुत आवश्यक है, आपको सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, ठीक है। मैंने ये भी देखा है जो मैथ है, मैथ के अंदर अपने पहले यूनिट का पहला टॉपिक है, ठीक है, घातांक, तो घातांक के साथ करनी भी पड़ रही है, नए तो सिलेबस में करनी का जिक्र है नहीं, अभी तक कोई क्वेश्चन करने से पूछा गया है, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको वही पढ़ना है जो सिलेबस के अंदर है, जो NCTC ने निश्चित गाइडलाइंस के तहत जारी किया है पात्रता परीक्षा के लिए, केवल और केवल वही पढ़ना है। सिलेक्शन के लिए दोस्तों सिलेक्टिव मैटर पढ़ना बेहद ही आवश्यक है। आप नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो मैं बार बार बोलता हूं आप कुछ भी पढ़िए, आपके इंच है वो आपका नॉलेज बढ़ाएगा, लेकिन सिलेक्शन के लिए सिलेक्टिव मैटर ही पढ़ना आवश्यक है। दोस्तों, ये बात होगी, आपको सिलेबस आपने अच्छी तरह से समझ लिया, देख लिया सिलेबस की, आप PDF निकलवा लीजिए, फिर आप जहां पे भी पढ़ते हो वहां पे आप ये PDF है हमेशा अपने साथ रखें। अब आपको पढ़ना शुरू कैसे करना है, तो दोस्तों प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज आपको क्या करना है, पहली यूनिट के पहले टॉपिक से शुरू करना है, आपको प्रत्येक यूनिट के टॉपिक वाइज चलना है, यानी जो अपने प्रत्येक सिलेबस के अंदर चाहे आपका कोई भी हो, चाहे SST हो चाहे मैथ हो,
ठीक है, एसएसटी के अंदर 12 यूनिट है और मैथ के अंदर आपकी मैथ के अंदर 6 यूनिट है, साइंस के अंदर 6 यूनिट है, आपके दो ही सब्जेक्ट हो सकते हैं, या तो आप एसएसटी से हो या आप मैथ साइंस से हो। तो दोस्तों एसएसटी के अंदर ही 12 यूनिट है, मैथ साइंस के अंदर ही 12 यूनिट है, प्रत्येक यूनिट से 5 क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने एक यूनिट कवर कर ली तो आप ये मान के चलिए कि आपने 5 नंबर है वो कवर कर लिए। दोस्तों कोई भी यूनिट आपको टफ लग रही है, कोई भी टॉपिक आपको टफ लग रहा है तो आप उसको छोड़ते हैं ना, तो आप या तो मान लीजिए कि आप डायरेक्ट 5 नंबर छोड़ रहे हो, अगर आपने एक यूनिट छोड़ दी तो आप पूरे पूरे 5 नंबर है वो छोड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक यूनिट बहुत ज्यादा पढ़ ली तो ज्यादातर क्वेश्चन उसी से आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। प्रत्येक यूनिट से बराबर का वेटेज के आधार पर क्वेश्चन आएंगे, यानी एक यूनिट के अंदर हो सकता है आपको 5 टॉपिक मिले, 6 टॉपिक मिले, 3 टॉपिक मिले, 4 टॉपिक मिले, वो एक अलग बात है, लेकिन एक यूनिट से केवल और केवल 5 क्वेश्चन आएंगे, उनका वेटेज है वो 5 नंबर का होगा। ठीक है, मैथ और इंग्लिश के अंदर इनके अंदर हो सकता है कि भी आपको 5 यूनिट है तो इनमें प्रत्येक से 6 क्वेश्चन आते हैं, उनका अंक 12 है वो 6 होता है। ठीक है, अगर 6 यूनिट है तो उनसे 5-5 क्वेश्चन आएंगे, 5 यूनिट है तो वहां से 6-6 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक का एक एक नंबर रहता है। दोस्तों ये पैटर्न समझना बेहद आवश्यक है, अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो ये जो मैं आपको बेसिक बातें बता रहा हूं ना, सिलेक्शन के लिए आपको काफी ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए साबित होगी। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा आराम से ध्यान से देखें, पूरी बातें को ध्यान से समझें, कुछ भी डाउट हो उसके बावजूद तो आप हमें कमेंट है वो जरूर करें। दोस्तों सिलेबस को आपको मैंने बता दिया कि आपको पहले टॉपिक से स्टार्ट करना है, पूरा सिलेबस आपको टॉपिक वाइज पढ़ते चलना है। अब आपको सेकंड क्या करना है कि जैसे ही आपने एक टॉपिक पढ़ा, जैसे ही आपका टॉपिक क्लियर हो गया, तो आपको जो पिछले जो पेपर है ना 12 के हो, तो आपको पहले वाले पेपर है ना वो डाउनलोड करके रखने हैं। ठीक है, जैसे ही आपका एक टॉपिक क्लियर हो जाता है तो आपको जो पिछले पेपर है ना उनसे देखना है क्या ये मैं जो पीछे आए हुए क्वेश्चन है वो सोल्व कर पा रहा हूं। अगर आपने एक टॉपिक पढ़ा है और उसी टॉपिक के जो पिछले आए हुए क्वेश्चन है, पिछले 2-3 सालों के अंदर जो एग्जाम हुई है, 15 में हो चाहे 17 में हो, उसके अंदर जो एग्जाम हुई है, अगर आप क्वेश्चन इजीली सोल्व कर पा रहे हो तो आपने जो पढ़ा है वो अच्छा पढ़ा है। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से काफी उपयोगी आपको साबित हो सकता है, आपको लगे कि जो मैंने पढ़ा है उस टॉपिक से मैं पिछला जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए वो मैं सोल्व नहीं कर पा रहा हूं, तो दोस्तों आपको एक अच्छी गाइड से वो टॉपिक है वो दोबारा पढ़ने की आवश्यकता है। लेकिन आपको पैटर्न ये रखना है कि जैसे ही आप एक टॉपिक पढ़ ले तो आपको जो पिछले जो पेपर है ना दोस्तों वो आपको सोल्व करने हैं। दोस्तों ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, जो आपने टॉपिक पढ़ा है उससे आपने क्या क्या पढ़ा है ये भी आपको पूरा कंफर्म हो जाएगा, और किस प्रकार के इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं ये भी आपको कंफर्म हो जाएगा। तो सेकंड आपको क्या रखना है, सिलेबस का एनालिसिस करने के बाद में पहला टॉपिक जैसे आप कंप्लीट करते हो, कंप्लीट करने के बाद जो आपके पहले जो आप पेपर आए हुए हैं उन्हीं पेपर के आधार पर आपको एक बार वापस देखना है कि जो मैंने पढ़ा है वो मैंने सही पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। दोस्तों ये दोनों चीजें आपको जरूर करनी है, सिलेबस देखना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, इससे बाहर कुछ नहीं जाता है, नहीं आपको इससे बाहर कुछ पढ़ने की आवश्यकता है। जैसे आप पिछले पेपर देखोगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि भाई ये सही बोल रहा है कि जो पेपर है उसके के अंदर क्या है, जो सिलेबस में दिया है सिर्फ और सिर्फ वही है, सिलेबस से बाहर कुछ नहीं गया। ठीक है, आप ये पेपर देख लीजिए, एक बार पूरा पेपर एनालाइज करेंगे तब आपको अंदाजा हो जाएगा कि रीट का जो पैटर्न जो सिलेबस है वो एकदम निश्चित रहता है। ठीक है, इस बात को आपको लेकर बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि क्या पढ़े कैसे पढ़े। तो जैसे दोस्तों आपकी जो टॉपिक क्लियर होते हैं आपको पेपर पढ़ना है, पेपर के बाद में आपको अगला टॉपिक वापस शुरू कर देना, आपको यही फॉर्मेट रखना है। अब हम बात करें कि सेकंड पेपर के लिए जिसका अभी तक है नए तो पैटर्न डिसाइड है, नए सिलेबस डिसाइड है, तो उसके लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों एक बात तो साफ जाहिर हो रही है कि सेकंड पेपर के अंदर जीके ऐड होगा, चाहे आप साइंस के हो चाहे आप एसएसटी से हो, सेकंड पेपर के अंदर दोनों के लिए हो सकता है कॉमन हो जाए और जो ऐड होगा वो होगा जीके। तो यानी अगर आप एक बार ये रीट का पूरा सिलेबस आप पढ़ लेते हो एक दो बार अच्छे से, तो भी आपको दोस्तों राजस्थान जीके की ओर चलना चाहिए, आपको राजस्थान जीके को पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, अभी से आपको थोड़ा बहुत राजस्थान जीके को पढ़ना चाहिए। अगर आप एसएसटी के अंदर हो तो आप पहले से राजस्थान जीके पढ़ रहे हो, अगर आपको थोड़ा बहुत है वो उसको और बढ़ा देना है। ठीक है, आप साइंस के अंदर हो तो अभी तक आपको राजस्थान जीके आप नहीं पढ़ रहे थे तो आपको थोड़ा बहुत अभी है वो शुरू कर देना है, क्योंकि दोस्तों सेकंड पेपर ऐड होते हैं राजस्थान जीके जरूर ऐड होगा, बाकी कोई सिलेबस जब बाकी कोई और ऐड हो ना हो लेकिन राजस्थान जीके वेटेज भी इसका अच्छा खासा रहेगा और राजस्थान जीके वो भी ऐड होगा। तो आपको सेकंड पेपर के लिए आपको विषय राजस्थान जीके वो पढ़ना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसके कुछ गाइड के लिए कि आपको किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी गाइड है वो मेरे हिसाब से आपके लिए अच्छी हो सकती है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, सबसे पहले हम बात करें साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी के लिए आप एक तो अग्नि पब्लिकेशन पढ़ सकते हो। ठीक है, बाद में दोस्तों आप बीएल रिवार्ड की जो फर्स्ट रैंक की गाइड आती है फर्स्ट रैंक सिक्योरिटी कोचिंग उसकी गाइड वो आप पढ़ सकते हो,
अच्छी लैंग्वेज है दोस्तों, आप इजीली उसको समझ सकते हो, ठीक है। तो साइकोलॉजी के लिए आप ओनली पब्लिकेशन पढ़ सकते हो और फर्स्ट रैंक दोनों ही पढ़ सकते हो। मैं फर्स्ट रैंक को दोस्तों ज्यादा प्रेफर करूंगा क्योंकि लैंग्वेज आसान है। अगर आप पहली बार घर पे पढ़ रहे हो तो आप उसको आराम से आसानी से पढ़ सकते हो। इसके अलावा अगर दोस्तों आप थोड़ा और हाई लेवल पढ़ना चाहते हो या अच्छे से और कवर करना चाहते हो दोस्तों, आप जो बोर्ड की 11वीं 12वीं की, जो राजस्थान बोर्ड की 11वीं 12वीं की साइकोलॉजी की गाइड है, आप वो पढ़ सकते हो। हम जल्दी वो शुरू करने वाले हैं तो आप वो भी पढ़ सकते हो, वो भी क्योंकि दोस्तों जो बोर्ड की गाइड है उससे बाहर है वो जाने की कोई भी संभावना वो नहीं रहती है। टॉपिक जो आपके सिलेबस के अंदर है वो आपको उन गाइडों से पढ़ लेना है, ठीक है। अब हम अगर आप लैंग्वेज हिंदी चूज करते हो तो हिंदी 9 से 12 तक के लिए माध्यमिक बोर्ड की जो गाइड है आप वो पढ़ लीजिए, लेकिन उससे पूरा मैटर वो आपका कवर नहीं होगा। इसके लिए आपको और भी गाइड है वो पढ़ने की आवश्यकता होगी। तो आप जो मिश्रा जी की हिंदी की गाइड है आप वो पढ़ सकते हैं, संस्कृत के लिए भी आप मिश्रा जी की गाइड पढ़ सकते हैं, हिंदी और संस्कृत दोनों लैंग्वेज के लिए आप मिश्रा जी की गाइड पढ़ सकते हो, ठीक है। अब बात करें SST के लिए, तो SST के लिए आप लक्ष्य भी पढ़ सकते हो और फर्स्ट रैंक की भी एक गाइड आती है, अच्छी गाइड आती है SST के लिए, आप वो भी पढ़ सकते हो। इसके अलावा आप 6 से 10 तक अगर आप अभी हाल फिलहाल टीचर इससे जुड़े हुए या प्राइवेट टीचिंग आपने करवाई है तो आप वो 6 से 12 तक SST की गाइड भी पढ़ सकते हो। जो टॉपिक आपके सिलेबस में है वो आप उस गाइडों से पढ़ लीजिए, तो उसके बाद दोस्तों कुछ नहीं जाएगा। इसके अलावा आप मैथ के लिए जो कक्षा 6 से 10 तक की जो माध्यमिक बोर्ड की किताब है उनके आप जो भी टॉपिक उसमें है वो आप दोस्तों वहां से पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आप कोई भी गाइड ले लीजिए, चाहे किसी भी पब्लिकेशन की गाइड हो, टॉपिक आपको वही रखनी है। आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके लिए मैथ के लिए तो अच्छा रहेगा, चाहे लेवल फर्स्ट हो चाहे लेवल सेकेंड हो। तो दोस्तों ये बात होगी सिलेबस को लेकर, ठीक है, गाइड को लेकर आपको किस प्रकार पढ़ना है कैसे पढ़ना है। मैंने मेरी तरफ से पूरा बेस्ट देने की कोशिश की है। इसके बावजूद भी आपका किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप हमें भेज दीजिएगा, वो कमेंट जरूर करें। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक और शेयर कर दें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए जो भी पीढ़ी। जय हिंद, जय भारत।